पानबस से पीआरटीसी के मुलाजमान ने विधायक काका बराड़ नूं मंग पत्र सौंपिया अते मंग रखी कि कॉन्ट्रैक्ट अते आउटसोर्स वर्करां नूं पक्का किया जाए। उन्हां दा कहना सी कि पिछले लंबे समय तो गलतियां करके नौकरी तो कढ़े ड्राइवर अते कंडक्टरां नूं भी ड्यूटी उत्ते बहाल किया जाना चाहिए है। श्री मुक्तसर साहब तो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू की जाए, जिस दे नाल श्री मुक्तसर साहब जिले के लोगों नूं भी सहूलतां मिलणगियां। 3 वोल्वो बसा श्री मुक्तसर डिपू विच होर पाईआं जाण अते स्टाफ लई रात रहण अते बैठण दे लई रेस्ट रूम भी बनाया जाए। इस मौके मंग पत्र दिंदिया मुलाजमान दीआं इही मंगां सन कि पिछले लंबे समय तो पानबस दे विच जो वर्कर कॉन्ट्रैक्ट दे उत्ते काम कर रहे ने उन्हां नूं पक्का किया जाना चाहिए है। श्री मुक्तसर साहब तो अज की आवाज़ दे लई भजन समाग की रिपोर्ट। मैनू इत्थे जिहड़े यूनियन दे मैंबरां ने बुलाया सी उन्हां दे कहन ते मैं इत्थे पहुंचा। उन्होंने कुछ आपदियां डिमांड रखियां जिहड़ियां उन्हां दियां आपदियां पर्सनल डिमांड जां साडे कोले लिखित रूप च आईआं, वह असीं सरकार अगे पेश करांगे। क्योंकि मगरले 1977 च बनिया होया मुक्तसर दा बस स्टैंड अज तरसयोग हालत विच है। जे इहदे गेट तों एंटर करदे आं तां तकरीबन 2-2 फुट पाणी है। जे पिछले पासे डिपू दा हाल वेखीए तां तरसयोग हालत है डिपू दी। अज इस करके चैक करन आए सी, यूनियन ने सद्या सी। अज GM साहब नूं एक बेनती करन आए हैं कि वो आपदे अफसर साहबान कोले भी ते पंजाब सरकार कोले असी भी रखांगे ते वह भी रखन कि मुक्तसर तों जिहड़ियां वोल्वो बसां दिल्ली नूं चलाउणियां वह भी चलाईआं जाण। ये डिमांड असी सरकार कोले रखांगे। इन्हां ने भी रखी है, सारे साडे जिहड़े रोडवेज दे मुलाजम है इन्हां दी भी ये डिमांड सी कि मुक्तसर तों भी बस चलाई जावे। तो लोगों की भी डिमांड है कि मुक्तसर दा सी मान साहब नूं बेनती करके साडे ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब नूं बेनती करके ये बसां नूं रेगूलर करावांगे दिल्ली लई। ते इस जिहड़ी बस स्टैंड की हालत मगरलियां सरकारां तो लैके तरसयोग हालत में बदल चुकी है, इनू अप ग्रेड कराने का कोशिश करांगे। सर इसे से बोल बाल बहुत 3 बसां चलदियां सी पहला मुक्तसर अड्डे तो चंडीगढ़ लई, उहदे जो 2 मतलब एक पहला ही लुधियाने दे चुके ते दूसरी जिहड़ी बस है कल आई सी लैण वास्ते मौके वास्ते, इस बारे की कहना चाहोगे? इस खातर ही सानू जिहड़ा मुलाजमान की यूनियन ने सद्या सी ते असीं उत्ते भी बेनती करांगे कि वोल्वो बस साढ़े जिहड़ा मुक्तसर शहर नूं ही दित्ती जावे, इहदे लई दिल्ली लई परमिट दित्ता जावे ते मुक्तसर तों भी जिहड़े दिल्ली जाणे लोकां नूं सहूलत मिल सके। इहनूं ठीक करावांगे जी जल्दी, सरकार हजे 3 महीने होए आ जी शुरुआत है ते इस बस स्टैंड की हालत जिहड़ी है बहुत वधिया तरीके नाल सुधारी जाऊगी। देखो सानू अज इत्थे वर्क बुलाया गया इन्हां वल्लों ते असीं पिछले 2-3 दिनां तों एक जो मोगे नूं वोल्वो बस दे बारे सानू ध्यान च आया सीगा उद्दे भी असीं मंत्री साहब नूं बेनती कीती सी जो मुक्तसर दी साडी 2 वोल्वो बसां चल रहीआं उहनां नूं इत्थों ही चलन दित्ता जावे। जे दिल्ली नूं असीं इत्थों चलाउणी है मुक्तसर साहिब तों चला के ते उह दिल्ली असीं एयरपोर्ट तक इत्थों जावे ते जो मुक्तसर दे लोकां नूं साडे जिला श्री मुक्तसर साहिब दे पूरी जिले दे लोकां नूं जो सहूलत मिल सके। मेरा नाम जगसीर सिंह है जी, मैं डिपू प्रधान हाँ जी। डिपू की हालत बारे जी तुम देख ही चुके हैं कि साड़ी जी वर्कशॉप है जी बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। जिहड़ियां बिल्डिंग है सारी डिगण योग आ जी, कुछ डिग भी पई आ, बाकी जो साढ़े कोई मीह कणी आउंदी आ साढ़े वर्कशॉप वाले बेचारे वो बाहर काम करते हैं क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं जी। बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी आ, जिहड़ियां कंधां दीआं 4 दीवारियां आ वह भी सारी डिग चुकी है जी। जिवें साडा कोई समान रात नूं कोई चोरी भी होण दा डर हैगा जी, इन्नियां महंगीयां गड्डियां खड़ियां जी, कोई टायर लै गया जी जां कुछ लै गया, इहदे प्रति भी कोई भी चीज़ नूं आपां अणगहिल्या कर छड्डिया जी। सरकारां ने इहदे बारे कोई ध्यान नहीं दे रही जी। मंग यही करते हैं जी भी साड़ी जी बिल्डिंग आ जी सवा ये भी मरम्मत की जाए ता कि जो असी जो काम करते साडे मुलाजम उन्हां दी आपदी जान भी हिफाजत हो सके क्योंकि किसी वेले भी डिग सकदी है जी वर्कशॉप। पिछले समय सरकारां दे विच जिहड़े मंत्री बने सी मुक्तसर दे जिहड़े कह सकदे आ अमरिंदर सिंह राजा बने उन्हां वल्लों भी एक भरोसा जताया गया सी भी इस दी जो
ਡਿਪੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਊ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਣੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਆਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਦਾ, ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਡੀਪੂ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੈਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੈਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਤਾਂ ਰੂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।